गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग हिल्स में सोमवार से सरकारी और जीटीए यानी गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के दफ्तरों को अनिश्चित काल तक बंद रखने का ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर एक बार फिर दार्जिलिंग दहल उठा है। कभी हिंसक घटनाएं तो कभी कर्फ्यू ने यहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी बीच जीजेएम यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सोमवार से अपनी सरकारी और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के दफ्तरों को अनिश्चितकालीन बंद करने का आह्वान किया है। हालांकि स्कूलों, कॉलेजों, परिवहन और होटलों को इस बंद के दायरे से अलग रखा गया है, जबकि बैंक सप्ताह में केवल दो दिन ही खुले रहेंगे। साथ ही किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पर्यटकों को भी पहाड़ी इलाके से निकल जाने को कहा गया है। देखिए, ये जो घटना हुई है उसके बाद केंद्रीय रिजर्व बल की कंपनी की तैनाती की गई है। एक हमारी महिला बटालियन 232 बटालियन की अल्फा कंपनी जो दाली पुलिस लाइन में है उनकी तैनाती की गई है। उसके बाद ब्रेवो 144 जो कारसियांग में है उसकी तैनाती की गई। बहरहाल फोर्स को बढ़ाया गया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार और सीआरपीएफ महानिदेशालय के आदेश के मुताबिक। फोर्सेस डिप्लॉय करने से वो तो आप, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। नहीं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का हम लोग चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग ने फोर्सिबल बंद। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में सभी सरकारी दफ्तरों को खुले रखने का एक आदेश जारी किया था और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को बिना किसी ठोस वजह के छुट्टी न लेने को कहा। हालांकि जीजेएम ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार आंदोलन को जितना दबाना चाहेगी ये उतना ही अधिक तेज होगा। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड 3% हैव बीन अरेस्टेड फॉर स्टेटस इंसिडेंट। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जीटीए के प्रिंसिपल सचिव को हटा दिया है और उन्हें उत्तर बंगाल विकास विभाग भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। अरमोल कुमार, दीपक, गो न्यूज़।